वेलकम टू सिविल इंजीनियर FBH। आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ पैरापेट वॉल के बारे में, जो हमारी वो मैंने पिछले वीडियो में दिखाई थी आपको, छोटी कंस्ट्रक्शन साइट थी उसी पे मैं आज आया हूँ। यहाँ पे हमने जो स्लैब की कास्टिंग कर रखी थी उसके बाद आज पैरापेट वॉल जो है उसका कंस्ट्रक्शन हो चुका है और उसका प्लास्टरिंग हो रहा है साथ में। ये देख लो आप, ये जो सारा है पैरापेट वॉल है यहाँ से, और ये यहाँ पर जो हमारे मिस्त्री है वो अभी प्लास्टर कर रहे हैं। इस साइड में भी पैरापेट वॉल बना हुआ है। तो पैरापेट वॉल के बारे में आपको पता ही है, ये फंक्शनल नहीं, इसके ऊपर कोई लोड ज़्यादा नहीं होता है। ये स्लैब के ऊपर जो वॉल लगती है साइडों में उसी को पैरापेट वॉल कहते हैं। तो यहाँ पे देख लो ये सारा कुछ, यहाँ से पैरापेट वॉल है और ये यहाँ मसाला बन रहा है जो इसको प्लास्टरिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं मोटार। तो वो है 1:4 रेशो का, मतलब 1 सीमेंट और 4 सैंड वाले रेशो का हम मोटार इसको प्लास्टरिंग के लिए यूज़ करते हैं। साथ में हम पहले इस पे गोला लगाते हैं सीमेंट और वाटर का मिक्सचर, ताकि इसका बॉन्ड अच्छे से बने और वाटर प्रूफ थोड़ा हो जाए ये। तो बस ये यहाँ पे देख लो आप, पैरापेट वॉल का कंस्ट्रक्शन हो चुका है और उसके बाद अभी प्लास्टरिंग हो रही है। दोस्तों ये जो हमारा प्रोजेक्ट था, छोटा सा प्रोजेक्ट है जिस पे कुछ एक पिछले 10-20 दिन से हमारा काम चल रहा था, तो ये कंप्लीशन पे आ चुका है। इसके यहाँ आगे वाले साइड में आपको दिखाता हूँ सामने जो बाकी हमारी कंस्ट्रक्शन जो हुई है इस पे, ये देख लो, यहाँ से दिख रहा होगा आपको ये सामने वाला साइड है। तो इस तरह से दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं यही दिखाने वाला था आपको पैरापेट का। तो बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहना। मैं हर हफ्ते में 3 या 4 नई वीडियोस अपलोड करता हूं और आप देखते रहना, जिससे आपको सिविल इंजीनियरिंग के बारे में नॉलेज मिलती है। थैंक यू दोस्तों।